बिहार के सुपौल जिले में एक सरपंच ने घर में घुसकर एक लड़की की नाक काट दी। इतना ही नहीं, उसके पिता का हाथ भी काट दिया। कारण था कि उस लड़की ने सरपंच को छेड़खानी करने से रोका था। लड़की का कहना है कि सरपंच उसके साथ रेप करना चाहता था, जिससे उस लड़की ने उसे रोक दिया। गुस्साए सरपंच ने कुछ लोगों के साथ मिलकर लड़की के साथ बदसलूकी की और बाद में उसकी नाक काट दी। अब लड़की ने अपने दर्द को बयां किया है। उसका कहना है कि हम 6 बहनें सहित सभी महिला सदस्य घर में बैठे थे। घर के सभी पुरुष सदस्य बगल में दादी के मायके में हो रहे निकाह में शामिल होने गए थे। तभी सरपंच और उसके 2-3 भाई हमारे घर पे घुस आए और हमारे साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। हम लोगों ने भागने का प्रयास किया तो बाल पकड़कर घसीटकर वापस घर ले आया। हल्ला होने पर मेरे अब्बा आए तो उनका फरसा से हाथ काट दिया। इसके बाद फिर से हम लोगों ने भागने की कोशिश की तो सरपंच ने खुद मेरी नाक काट दी। जैसे जैसे हल्ला बढ़ता गया, ग्रामीण जमा होने लगे तो सरपंच सहित सभी लोग वहां से भागने लगे। नाक काट दिए जाने से मेरा निकाह भी टूट गया है। अब लड़के पक्ष ने निकाह करने से इनकार कर दिया है। मुझे नाक पर 3 टाके लगे हैं। ये दर्द है उस लड़की का जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब इस सरपंच के करतूत से इस लड़की की शादी टूट चुकी है। घटना सुपौल में सदर थाना इलाके के लौड़ पंचायत की बताई जा रही है, जहां सरपंच मोहम्मद मुस्तकीन की दबंगई सामने आई है। पहले तो उसने अपने ही गांव में एक परिवार के साथ बदसलूकी की, उस गांव की बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाया और बाद में कुछ लोगों के साथ घर में घुसकर इस लड़की के साथ बदसलूकी की। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस दोनों पक्षों के दावों पर जाँच पर जुट चुकी है, लेकिन जिस तरीके से इस लड़की ने अपने दर्द को बयां किया है, सरपंच की दबंगई देखने को मिली और अब तक पुलिस खाली हाथ है।